हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल सत्यप्रकाश इलेक्ट्रीशियन के नाम से है। आइए हम आपको फैन फास्टनर कैसे फंसाया जाता है छत में ड्रिल मार करके सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, इसी पे पंखा टीकेगा, कैसे लगाया जाता है सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जैसा कि देखिए, हमारा ड्रिल मशीन है, ये हमारा 10 mm का फास्टनर है, तो हमको 16 mm का बीट लगाना है। अभी जाके लग पाएगा, नहीं लग नहीं पाएगा, कैसे लगाना है आपको बता रहे हैं। पहले ड्रिल छत में मार दिया जाता है, उसके बाद से फंसाया जाता है। देखिए, ये हमारा फास्टनर अब ठोक दिया है हम। अब इसको क्या करेंगे, फुल टाइट कर देंगे। जब फुल टाइट होगा तो पहले चेक कर लिया जाता है कि गिर नहीं रहा है, लटक नहीं रहा है। लास्ट देखो, टाइट कर दिया है। अब इसको लटक से चेक कर लेना हमको, ये गिर नहीं रहा है। पहले चेक कर लिया जाता है कि फैन गिरे ना। देखिए, अब कितना हूँ लोड पर अभी गिरेगा नहीं है। देखिए, जहाँ पे पॉइंट दिया जाता है वहाँ से एक हाफ लिया जाता है और न्यूट्रल लुक कर दिया जाता है। देखिए, जगह जगह कैसे पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ वहाँ से अलग अलग तार ले करके उसके बाद से वायरिंग हुआ है। इस हाल में हमारा 6 पंखा है और 1 झूमर है बीच में। झूमर के लिए देखिए सीकर लगा दिया गया है और पंखा के लिए जगह जगह डाउन रॉड लगा दिया गया है, फास्टनर लगा करके। जगह जगह हम फास्टनर लगा दिए हैं पंखे के लिए और जगह जगह जहाँ जहाँ पॉइंट देना है तो वहाँ वहाँ पे हम तार लटका दिए हैं। अब हमको जब ये जिप्सम और पीओपी चाहे हो जाए तो उसके बाद से हम क्या करेंगे कि लाइट कटवा के लाइट फिटिंग कर देंगे इसमें। और देखिए, हमारा देखिए तार आया है कैसे स्विच बोर्ड में से हमारा, फिर वहीं से तार चला आया है इस स्विच बोर्ड में। फिर वहीं से हमारा अब इधर का आधे वाला हिस्सा यहाँ पे चला है, इस स्विच बोर्ड में आएगा, इस वाले स्विच बोर्ड में आएगा।